अब सीबीआई पूछताछ कर सकेगी चिदंबरम को। दरअसल जब तक रिमांड होती है तब तक आप बेल नहीं मांग सकते, और आज चिदंबरम के किसी भी वकील ने बेल के लिए मुंह नहीं किया। हम साफ कर दें इसको, और चिदंबरम को अब रिमांड पर भेजा गया है। सीबीआई की रिमांड मिल गई है। कितने दिन होते हैं पुनाश? 5 दिन, 26 अगस्त, 5 नहीं 4 हो गए, 23, 24, 25, 26, 4 दिन, 4 दिन तक के लिए, 26 अगस्त तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। तो अब आगे सीबीआई रिमांड के बाद क्या दीपक जी यहाँ पर अब ईडी भी पूछताछ कर पाएगी या सिर्फ सीबीआई ही पूछताछ कर सकती है? ईडी अगर चाहे तो सीबीआई से रिक्वेस्ट कर सकती है, कोर्ट से परमिशन मांग सकती है, लेकिन ईडी के पास दूसरा भी राइट है कि जब इनकी रिमांड खत्म हो जाए ईडी चाहे तो फ्रेश अप्लाई कर दे, या ईडी ये कहे कि हम आपको इस केस के अंदर गिरफ्तार करते हैं और जो कानूनी कार्रवाई अभी तक उसने एफआईआर फाइल नहीं की है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में, एफआईआर फाइल कर दे और एक नया फ्रेश केस में उनकी अरेस्ट मांग ले, और अगर कोर्ट कहती है तो उनको अरेस्ट दे दे। ऐसे में फिर चिदंबरम को एक बार फिर ईडी कस्टडी में जाना होगा। अभी वो सीबीआई कस्टडी में है, जो मैक्सिमम दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं कि ईडी चाहे तो कोर्ट से परमिशन लेकर सीबीआई की रिमांड के दौरान ही पूछताछ कर सकती है, या फिर सीबीआई की रिमांड खत्म होने का इंतजार करे, एफआईआर फाइल करे, उसके बाद चिदंबरम को गिरफ्तार करे और फिर पूछताछ करे। तो दोनों विकल्प अभी खुले हुए हैं, तो ईडी की क्या कुछ मूव होगी उसका भी इंतजार करना होगा। रवि, आपके पास कोर्टरूम के भीतर से क्या कुछ जानकारी आ रही है? जैसे ही जज ने अपना फैसला सुनाया, 4 दिन की रिमांड पर भेजा, चिदंबरम का बॉडी लैंग्वेज क्या था, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह का फैसला आएगा, क्या अपडेट आपके पास कोर्टरूम के भीतर से आ रही है? देखिए पिनाज, अभी अरविंद से हमारी बातचीत हुई और बचाव पक्ष को ये पता था कि 5 दिन की रिमांड सीबीआई मांग रही है और ये रिमांड उनको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो तथ्य रखे गए थे वो बहुत ही सॉलिड थे, क्योंकि जो दूसरे गवाह हैं उनकी बातचीत और चिदंबरम के बयान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। इस आधार पर सीबीआई ने कहा कि उनसे हमें पूछताछ करनी है और यहाँ पर 4 दिन की रिमांड जो है सीबीआई को मिल गई है। दूसरी अहम बात पिनाज जो आपने कही, ईडी जो है इस रिमांड के पूरे होने के बाद हो सकता है कि पी चिदंबरम को अरेस्ट कर ले और उसके बाद वो अलग से उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके रिमांड मांगेगी, ताकि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है जिसकी जांच खुद ईडी कर रही है उस मामले में भी वो रिमांड पर लेकर पी चिदंबरम से पूछताछ करे। तो दोहरी मुश्किलें हैं। अभी फिलहाल सीबीआई ने रिमांड मांगी है, 4 दिन तक सीबीआई पूछताछ करेगी और हो सकता है कि इन 4 दिनों के दौरान अगर पी चिदंबरम सीबीआई को संतुष्ट करने वाले जवाब नहीं देते हैं तो कोर्ट में आकर वो ये भी कह सकती है, ठीक है रवि, इन्होंने इन 4 दिनों के दौरान कोऑपरेट नहीं किया, वो रिमांड को बढ़ाने की रिक्वेस्ट करती है। जी रवि, मैं यहाँ पर एक बात पिनाश जोड़ना चाहूंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी सीबीआई करना चाहेगी वो ये है कि इंद्राणी मुखर्जी अब अप्रूवर बन चुकी हैं। इंद्राणी मुखर्जी ने कई डेफिनेट मीटिंग्स के बारे में बात की है, तो हो सकता है जिस तरह से कार्ति चिदंबरम का इंद्राणी मुखर्जी से आमना सामना करवाया गया था, ठीक उसी तरह से पी चिदंबरम का इंद्राणी मुखर्जी से आमना सामना करवा दिया जाए। हो सकता है कि कार्ति चिदंबरम और पी चिदंबरम अलग अलग बयान अगर इन्वेस्टिगेशन में दे रहे हैं तो दोनों को आमने सामने बिठाकर उनकी उनसे बातचीत हो जाए, उनसे पूछताछ हो जाए। तो ये कई ऐसी चीजें हैं। वरिष्ठ वकील गीता लूथरा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि गीता जी, अब यहाँ पर 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है, चिदंबरम को कोर्ट से झटका लगा है, अब उनके पास क्या कुछ कानूनी विकल्प रहते हैं, क्या ईडी इस दौरान उनसे पूछताछ कर सकती है? जरा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को समझाएं। मैं एक 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 बात कहना चाहूंगा, अरविंद हमको जो इन्फॉर्मेशन बोल दे रहे हैं वो ये है कि हर रोज 30 मिनट तक पी चिदंबरम को इजाजत दी गई है कि वो घर वालों से मिल सकते हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। और अरविंद हमको जो जानकारी दे रहे हैं उसके हिसाब से 26 अगस्त तक रिमांड है और हर रोज 30 मिनट तक उनको ये स्पेशल सुविधा दी गई है कि वो जुडिशियल रिमांड सीबीआई रिमांड के दौरान वो अपने घर वालों से मिल सकते हैं। तो इतनी सुविधा जस्टिस अजय कुमार ने दी है। और अभी देखिए हलचल दिखाई दे रही है हमको राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर, हो सकता है कि चिदंबरम के बारे में अब जज का फैसला आ चुका है, इसके बाद उनको वापस सीबीआई हेडक्वार्टर के अंदर ले जाया जाए, उसकी तैयारी मेरे ख्याल से हो रही है।